और देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है बजाज की पल्सर N150 जो अभी हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई थी 26 सितंबर 2023 की इसकी लॉन्चिंग डेट थी, आज से 4 दिन पहले की लॉन्चिंग हुई है। लॉन्चिंग की वीडियो मैंने जो है इसकी इवेंट की वीडियो मैंने अपलोड की थी, शॉर्ट्स में वीडियो बना करके इसकी अपने चैनल पर अपलोड किया था या इंस्टाग्राम पर आप लोग जा करके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैंने अपलोड किया था इसका शॉर्ट्स। बाकी आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक में कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, जो नई वाली N150 आई है उसमें आपको फीचर्स क्या दिए गए हैं, माइलेज क्या आने वाली है, टॉप स्पीड क्या आने वाली है, कौन कौन से कलर वेरिएंट में आपको ये बाइक देखने के लिए मिल जाती है और इसकी जो प्राइस है वो अभी क्या आ रही है पटना बिहार में। तो टोटल डिटेलिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात कर रहे हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में मैं आपको दिखा दूं कि कुछ इस तरीके का आपको व्हाइट कलर की DRL दी गई है, व्हाइट कलर का प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। 150 की सेगमेंट की बाइक में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट दिया गया है, मैं बाद में आपको इसको ऑन करके दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का छोटा सा आपको फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाता है जो व्हाइट की कॉम्बिनेशन के साथ में, व्हाइट एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ में मैच कर रही है। बाकी यहाँ पे स्टिकर देख सकते हैं कि ब्लैक एंड रेड की आपको स्टिकर ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे मीटर का जो लुक है कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। बाकी इंडिकेटर थोड़ी सी फ्लेक्सिबल में इंडिकेटर होने वाली है, थोड़ी सी नहीं बोल सकते, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हो सकती है, ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रही है। और यहाँ पे आते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका मडगार्ड दिया गया है वो भी आपको डुअल कलर टोन में देखने के लिए मिल जा रहा है, ब्लैक एंड वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ में। बाकी यहाँ पे सिल्वर कलर की आपको स्टिकर ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जा रही है दोनों साइड में। और यहाँ पे ABS लिख करके आ रहा है, सिंगल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आ जाएगी गाइस। यहाँ पे रिफ्लेक्टर देख सकते हैं कि दोनों साइड में येलो कलर की आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इस साइड से आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक के जो फ्लैप है उसके ऊपर आपको पल्सर लिख करके आ रही है, 3D में आपको पल्सर लिख करके आ रही है। स्टिकर ग्राफिक्स आपको सिल्वर की आपको दी गई है अंदर में, यहाँ पे भी आपको स्टिकर ग्राफिक्स सिल्वर में देखने के लिए मिल जा रही है यहाँ पे भी। बाकी फ्यूल टैंक जो है आपका, फ्यूल टैंक का कैप जो है आपको सिल्वर कलर के देखने के लिए मिल रही है। बाकी E20 की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टिकर ग्राफिक्स जो है फ्यूल टैंक के फ्लैप पे जो है कुछ इस तरीके की यहाँ पे आ रही है स्टिकर ग्राफिक्स सिल्वर में, यहाँ पे सिल्वर एंड रेड की कॉम्बिनेशन के साथ में जो है यहाँ पे स्टिकर ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे भी आपको वही स्टिकर आपको देखने के लिए मिल जा रही है रेड एंड सिल्वर की ग्राफिक्स के साथ में। बाकी यहाँ पे जो साइड पैनल दिया गया है कार्बन की फिनिशिंग के साइड में आपको साइड पैनल देखने के लिए मिल जाता है। रियर पैनल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे सिल्वर एंड रेड की स्टिकर ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जा रही है, N150 की आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डुअल कलर टोन में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाइट में देखने के लिए मिल रही है और ये जो चीज़ है ब्लैक में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी रियर की टेल लाइट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके की टेल लाइट की लुक आ रही है जो आपको P150 की लुक देखने में सेम टू सेम लग जाती है। जो ये लुक दी गई है रियर की आपको P150 की सेम टू सेम लुक आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है रियर की जो लुक है। और जो फ्रंट की इसकी लुक है वो आपको N160 की लुक आपको फ्रंट से देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके इंजन की गाइस, तो इसमें 149.68 cc का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है जिसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन दिया गया है और इसकी 14.5 hp की मैक्स पावर देखने के लिए मिल जाती है जो 8500 rpm पर पावर को जनरेट करती है और 13.5 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है जो 6000 rpm पर पावर को जनरेट करता है गाइस। इस बाइक की अगर गियर की बात कर लूँ मैं तो इसमें आपको टोटल 5 गियर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाती है और ये सिंगल गियर यहाँ पे आने वाली है, देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे एक जो गियर है डाउन में जा रही है, बाकी बीच में न्यूट्रल, सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 ऊपर में जाने वाली है। बाकी यहाँ पे साइड स्टैंड कटआउट स्विच भी लग करके आ रहा है इसमें, आपकी जो बाइक की स्टैंड गिरी हुई होगी तो ये जो बाइक है स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इसकी अगर टॉप स्पीड माइलेज की, तो इसकी जो माइलेज आने वाली है 50 से 55 की आपको माइलेज इस बाइक में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि 150 cc की बाइक है तो 50 से 55 माइलेज आपको आराम से मिलने वाली है अगर आप इसे अच्छे से मेंटेन करते हैं और अच्छी से ड्राइव करते हैं।
स्मूथ ड्राइविंग करते हैं तो आपको जो माइलेज 50 से 55 आराम से मिलने वाली है गाइस। बाकी इसकी अगर टॉप स्पीड की बात कर लूँ तो 120 की टॉप स्पीड होने वाली है और 15 से 16 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ने वाली है ये बाइक। और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं अगर इसकी टायर सेक्शन की, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फ्रंट की जो टायर दी गई है 90-90-17 की आपको फ्रंट में टायर देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे डिस्क देख सकते हैं कि 260 mm का डिस्क प्लेट आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जा रहा है जो सिंगल चैनल ABS के साथ में आ रही है गाइस। और यहाँ पे रियर टायर की अगर बात कर लूँ तो 120x80 की टायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 120x80-17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है। 130 mm का ड्रम आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और अब बात कर लेते हैं इसकी अगर फुटेज की, तो देख सकते हैं कि फोल्डेबल में आपको दोनों फुटेज देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे। ये जो चीज़ें सिल्वर में दी गई है गाइस, और इसमें आपको किक भी देखने के लिए मिल जाती है। 150cc की बाइक में आपको किक भी देखने के लिए मिल जा रही है। इंजन काउल यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कलर वेरिएंट में आपको स्टिकर ग्राफिक और कलर वेरिएंट देखने के लिए मिल रही है। टोटल 4 देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे 2 कलर वेरिएंट दी गई है, 2 स्टिकर ग्राफिक देखने के लिए मिल रही है। वाइट एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ में आपको पैनल आ जाता है, जो इंजन काउल जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी स्टिकर देख सकते हैं कि सिल्वर एंड रेड की कॉम्बिनेशन के साथ में आ रही है। यहाँ पे हॉर्न देख सकते हैं कि सिंगल में यहाँ पे हॉर्न देखने के लिए आपको मिल जा रहा है गाइस। बाकी यहाँ पे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो 31mm का आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। और यहाँ पे रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं, जो 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन लगी हुई आ रही है इस बाइक में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर इसकी सीट हाइट की, तो 790mm का आपको सीट हाइट देखने के लिए मिल जाता है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है 165mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दिया गया है। टोटल वेट जो है इस बाइक की 145 kg की टोटल वेट होने वाली है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात कर ले इसकी कलर की, तो कलर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमें वाइट कलर में देखने के लिए मिल रही है एक बाइक जो है N150। बाकी यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ कि रेड कलर में आपको एक बाइक देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि N150 रेड कलर में देखने के लिए मिल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे N150 ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल रही है। तो टोटल 3 कलर वेरिएंट में आपको ये बाइक देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में ये चीज़ N150 आ रही है, और यहाँ पे रेड कलर में। बाकी यहाँ पे जो है वाइट कलर में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है गाइस। अगर इसकी मीटर कंसोल की बात कर लूँ, तो देख सकते हैं कि सेमी डिजिटल में आपको मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड लिख करके आ रही है ऊपर में रेड कलर की। यहाँ पे बैटरी बताने वाली है, बैटरी का जो डाउन होने वाला है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ब्लिंक करने वाली है। यहाँ पे इंडिकेटर बताने वाला है, यहाँ पे पासिंग के लिए, यहाँ पे इंजन माउंट फंक्शन का लाइट, यहाँ पे RPM लिमिट लिख करके आ रही है वो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ABS का लाइट दिया गया है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर का लाइट दिया गया है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल के लिए लाइट देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इस स्विच को अगर ऑन करते हैं तब जो है न्यूट्रल ऑन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे ये न्यूट्रल जल रही है। बाकी यहाँ पे गियर में भी जो है आपको बताने वाली है कि गियर कौन सी गाड़ी, कौन से नंबर पे आपकी जो गाड़ी है वो चल रही है, कौन से गियर पे गाड़ी आपकी चल रही है, वो चीज़ यहाँ पे आपको शो करने वाली है। तो यहाँ पे अभी न्यूट्रल में है, तो यहाँ 0 लिख करके आ रही है। बाकी जब गियर मैं इसमें लगाऊँगा तो वहाँ पर 1 या 2 करके लिख करके आएगी। तो ऊपर मैंने लगाया तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिख करके आ रही है गाइस। तो यहाँ पे गियर बताने वाली है कि कौन से नंबर पे आपकी जो है गाड़ी की गियर है वो चल रही है। बाकी यहाँ पे टैकोमीटर आपको RPM मीटर देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको किलोमीटर बताने वाली है, यहाँ पे आपको स्पीडो बताने वाला है, यहाँ पे टाइमर दिया गया है, यहाँ पे फ्यूल के लिए यहाँ से यहाँ तक आ रही है गाइस। बाकी यहाँ पे देखते हैं इस बटन को प्रेस करके, तो यहाँ पे ट्रिप चेंज हो रही है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 देखने के लिए मिल जा रही है। और डिस्टेंस टू MT भी दी गई है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं DT दे रहा है, डिस्टेंस MT आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे किलोमीटर आ रही है ट्रिप की, ट्रिप 1 0 लिख करके आ रहा है यहाँ पे। इससे करके थोड़ा सा लाइट को ये करते हैं, कवर करते हैं, तो देख सकते हैं ट्रिप 1 लिख करके आ रहा है। बाकी फिर से एक बार प्रेस करते हैं इस बटन को तो ट्रिप 2 लिख करके आ रही है। तो यहाँ पे ट्रिप 2 देखने के लिए मिल रही है।
तो कुछ इस तरीके की आपको सेमी डिजिटल में मीटर कंसोल दिया गया है। यहाँ पे इस बाइक को स्टार्ट करते हैं गाइस और इसकी जो है एग्जॉस्ट की साउंड सुनते हैं कि इसकी जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो कैसी आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं अंडर बॉडी आपको एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जा रही है। एग्जॉस्ट की साउंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और इसकी जो हेडलाइट का सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हैं कि वाइट कलर की आपको प्रोजेक्टर में हेडलाइट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आपको DRL जो है वाइट कलर का आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी रियर में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो टेल लाइट दी गई है कुछ इस तरीके की आपको P150 की टेल लाइट सेम टू सेम देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे नंबर प्लेट का लाइट आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी इसकी बटन ऊपर जो है लाइट देखने के लिए मिल रही है, देख सकते हैं कि वाइट कलर की लाइट आपको बटन्स के ऊपर भी जल रही है गाइस। लेकिन यहाँ पे आपको जो इस पर लाइट का जो स्विच है वो नहीं दिया गया है, जिससे आपको हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो N160 में आपको देखने के लिए मिल जाती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर इसे बंद करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि जो मोबाइल चार्जिंग के लिए है USB पोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी यहाँ की जो जानकारी है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ का एड्रेस दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे आकर के या कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं। एंड अभी फ़िलहाल जो है मैं बात करता हूँ इसकी एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो 1,18,500 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस अभी बताई गई है और इसकी जब ऑन रोड प्राइस आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में या शॉर्ट्स में वीडियो बना करके जो है इसकी ऑन रोड प्राइस बता दूंगा गाइस। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। बाकी कोई भी अगर आपके फ्रेंड सर्किल में नई बाइक लेने वाले हो तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। बाकी ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पावरफुल है और फैमिली के लिए तो बेस्ट बाइक होने वाली है। ये बाइक देख सकते हैं कि सिंगल सीट में आपको ये बाइक आ रही है। कुशनिंग वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँ कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कुशनिंग आ रही है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।